हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो फ़ोन है, तो इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में अलार्म्स वगैरह को आप कैसे बंद कर सकते हैं इन्फिनिक्स फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और फ़ोन में अलार्म्स वगैरह कैसे बंद कर पाएंगे इन्फिनिक्स फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि अलार्म्स को बंद कैसे कर सकते हैं और कैसे आप अलार्म्स को हटा सकते हैं इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो बताने वाले हैं, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो भी आइकन्स यहाँ शो हो रहे हैं, जिसमें से आपको जाना होगा सेटिंग्स पे, क्लिक करते ही सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी, जिसके जरिए फ़ोन में अलार्म्स को आप बंद कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं अपने फ़ोन में, जिसका आप यूज़ कर पाएंगे। देख सकते हैं कि स्लाइड करना है साउंड एंड वाइब्रेशंस पे जाना है, जहाँ से वॉल्यूम को इस तरीके से आप ऑफ़ कर सकते हैं। ऑफ़ करते ही फिर आपको यहाँ से अलार्म टून्स को भी ऑफ़ कर देना है, इससे कोई भी साउंड एंड टून्स द्वारा आपके अलार्म्स पे शो नहीं करेगी और शो नहीं करेगी, अलार्म साउंड बंद हो जाएगा। और साथ में आप क्लॉक्स पे जाकर यहाँ से अलार्म टाइमिंग को भी ऑफ़ कर सकते हैं और बंद कर सकते हैं अपने फ़ोन में, जिससे टाइमिंग भी बंद हो जाएगी अलार्म्स की। देख सकते हैं आप, देख सकते हैं कि इस तरीके से आप इसको ऑफ कर सकते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ से अलार्म को ऑफ कर पाएंगे। इस तरीके से ऑफ कर देना, अलार्म ऑफ हो जाएगा और बंद हो जाएगा। किसी अलार्म को डिलीट भी आप कर सकते हैं, इस तरीके से हट जाएगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।